हाँ तो गाइस ये जो है ये यमुना जी हैं और वो गंगा जी हैं, वो गंगा जी हैं और ये यमुना जी हैं। हाँ ये शांत वाला जो शांत जिसका पानी होता है ये यमुना जी हैं और जो जिसका पानी जो तेज में जा रहा है वो गंगा जी है। ये देखो गाइस कितने क्यूट क्यूट से पपी हैं यहाँ पे, वो अंदर भूसा पड़ा है, वो शत्रु की मौसम ये यार। हाँ देखो नहीं घोग दिया है, इसकी माँ इधर बैठी है और मेरे साफ सामने ही कैमल है, पहली बार देख रहा हूँ मैं अपने आँखों से। ये देख सकती हूँ और शायद मैंने पहली बार अपनी आँखों से देखा, वैसे मैंने वैसे तो राजस्थान वगैरह में तो नॉर्मल होता है लेकिन यूपी में नहीं दिख सकता, तो यहाँ पे मिल गया है नॉर्मली। अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और मैं निकलने वाला हूँ प्रयागराज। आज है 1 तारीख और आज से मेरा व्लॉग स्टार्ट पूरे साल तक, ऐसे कहीं ना कहीं ट्रिप बनती रहेगी मेरी। तो अभी फ़िलहाल है मैं अयोध्या कैंट स्टेशन पे और मतलब 5-6 लोग साथ में जा रहे हैं तो हम लोग भी निकल चुके हैं और सत्यम, विकास और सूरज कई लोग हैं, तो अभी निकलेंगे। 4:07 की ट्रेन है, 4:07 की, तो अभी निकलते हैं, टिकट वगैरह लेते हैं और चलते हैं प्रयागराज। सत्यम कितना टिकट काटो भाई? प्रयागराज का टिकट काट रहा है बंदा। नो ट्रेन दिखाओगे? सिस्टम फाड़ देंगे, ये टीममेट सारे टीममेट्स ही है हमारे, सिस्टम फाड़ देंगे। और अपन भी इधर ही है, टिकट मिल गया है 5-5 टिकट। तो अभी तो स्टेशन के अंदर हम लोग आ चुके हैं और अभी ट्रेन लगी नहीं है, हम लोग जल्दी पहुंच गए, हम लोग जल्दी जल्दी करते हुए ज़्यादा जल्दी पहुंच गए, अभी ट्रेन ही नहीं लगी प्लेटफॉर्म पे और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं जब ट्रेन लगेगी तो फटाफट उसके बाद निकलेंगे हम लोग। और सत्यम भाई हमारे सबसे पहले सबसे आगे और हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हर ब्लॉग में आपने देखा होगा हर जगह पे, तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है हमारे ब्लॉग में, तो इनका अहमियत मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं प्रतापगढ़ जंक्शन और अभी बाहर की तरफ में कोहरा काफ़ी ज़्यादा है और अभी कुछ देर तक बहस चल रही थी, सभी लोग साथ में ही हैं, ये हमारे सूरज भाई। और अभी लगभग 1-1.5 घंटे और लगेंगे इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जंक्शन पहुंचने के लिए, तो जर्नी के काफ़ी नज़दीक हैं हम, प्रतापगढ़ जंक्शन में हैं अभी फ़िलहाल खड़े हुए हैं। और अभी तो मैं ट्रेन के अंदर था, बाहर आ गया और ठीक है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है इसलिए मैं इसलिए कैप वगैरह लगा लिया हूँ, बाल वाल को नहीं देखना ठंड में भाई, सर पहले तो हेल्थ ज़रूरी है, तो अपना हेल्थ ठीक रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो ट्रेन हमारी पीछे की तरफ खड़ी हुई है और बस 1-1.5 घंटे का और सफ़र है, उसके बाद में हम लोग पहुँच जाएंगे, फिर दोस्त को कॉल करेंगे, एक दोस्त वहाँ पर ही रहता है तो उसके साथ मिल के फिर जितना भी टूरिस्ट अट्रैक्शन वगैरह है जो भी घूमने टहलने वाला एरिया वो सारी चीज़ें घूमेंगे और देखते हैं क्या क्या होता है भाई। तो अभी हमारे सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम ही फाड़ देंगे सीधा, तो हमारे सत्यम भाई बताएंगे कि हम लोग कहाँ पहुँचे हुए हैं। भाई कहाँ पहुँचे हैं बताओ जरा? प्रतापगढ़ भाई, अभी प्रतापगढ़ पहुँचे हैं, कितना टाइम लगेगा अभी? अब 1-1.5 घंटा और लगेगा। अच्छा यानी कि मेरी बातें सुन रहे थे क्या तभी कुछ देर पहले? पहुँच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन और हो चुका है हम लोग का आगमन। और ये सामने की तरफ में हमारे जो फ्रेंड है, विकास का फ्रेंड है, उनका चाय का दुकान है और हम लोग अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और प्रयागराज में ये है 07 चाय, ये दुकान का नाम है भाई के,
पीसीएस वाला, हाँ हाँ ये वाला है। तो अभी ये भी ओपन नहीं हुई है, ये ओपन होगी अभी, ये पीसीएस कैफे नाम से। ठंड बहुत ज़ोर से हो रही है और इसकी वजह से भी अचानक से कोहरा होने में लगा, और अभी तीन लोग और आ रहे हैं। हम लोग तो बाइक से आ गए, मतलब जिसकी जो दुकान है उसके बाइक से हम लोग आ गए, हम विकास और वो बंदा, और तीन लोग अभी आ रहे हैं बैटरी रिक्शा से, तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उन लोग आएंगे फिर हम लोग निकल जाएंगे, पार्क वगैरह जो है यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस जो घूमने वाला घूमेंगे। क्या हुआ सत्यम? कुछ नहीं यार, जूता पहनने में इतनी प्रॉब्लम, निकाल दिया यार। तो हम लोग अभी निकलने जा रहे हैं, और अभी तो अपने दोस्त के फ्लैट पे आए हुए थे, मतलब यहाँ पे रूम लेकर लिया हुआ है बंदे ने, तो वहाँ से हम लोग चलेंगे अभी सीधा नीचे और निकलने वाले हैं। और सभी लोग अपना जूता बांधने में मस्त है, और हम भी निकल जा रहे हैं यहाँ से सीधा चलेंगे। अभी तो फिक्स नहीं है कहाँ कहाँ जाना है, चलते बताते हैं। तो ये है भाई की दुकान, और हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं, अंदर पहले से ही सभी लोग हैं। और ये हैं हमारे भाई साहब, इनकी ये दुकान है पीसीएस चाय वाले, और इनका ये मेन्यू ना सारी वैरायटी है, सारी की सारी देख सकते हैं, अदरक चाय, इलायची चाय, केसर चाय, सबसे महंगी चाय इनकी है पीसीएस स्पेशल चाय। और हम लोग का ब्रेड पकौड़ा चलते हुए घर पे सुबह सुबह ही, हम लोग सुबह नाश्ता वास्ता करके नहीं आए थे, इसके वजह से पहले यही खाएंगे। देखिए भाई लोग, और ये है अपना ब्रेड पकौड़ा। अरे ब्रेड पकौड़ा ऐसे दिखाएंगे ना भाई। तो अभी हम लोगों का प्लान डिसाइड हो गया है, हम लोग जा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जो कि यहाँ से कुछ 2.8 किलोमीटर है, और हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग पैदल जाएंगे। तो पता नहीं क्यों, मतलब मन कर रहा है, वैसे तो जा सकते थे हम लोग टैक्सी अगर अभी करके, लेकिन हम लोगों ने सोचा पैदल जाएंगे, थोड़ा इन्जॉय करते हुए जाएंगे। और अब से कितना दिखा रहा है टाइमिंग, हाँ 9 मिनट दिखा रहा है, और हो सकता है 9 मिनट में हम लोग पहुँचे, 9 मिनट शायद व्हीकल का दिखा रहा होगा, हम लोग तो पैदल जा रहे हैं, देखते कितने देर में पहुँचते हैं, लेकिन हाँ एंजॉय करते हुए जाएंगे, तो हो सकता है पहुँच जाएंगे जल्दी। चलिए तो लेट्स गो। खैर हम लोग ज़्यादा देर पैदल तो नहीं चल पाए, हम लोग को बैटरी रिक्शा हायर करना पड़ा, उससे भी बैठ के ही सभी लोग गए, फिर किसी को मंजूर नहीं था पैदल चलना, और मैंने भी फाइनली डिसाइड करा कि हम लोग गाड़ी से ही चलेंगे। नीचे हमारे डीजे बज रहा है, सुन सकते हैं बहुत तेज, यहाँ पे कंपटीशन का पूरा फुल तैयारी है। चर्च इस साइड में, हमारे चर्च देख सकते हैं। तो हम लोगों ने टिकट ले लिया है, पता ना घर ही ना है, बताए तो ना फोन करो उनके लगे, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क का टिकट, और अभी चलते हैं अंदर। तो सबसे पहले एंट्री करते हुए ही हमारा जो सबसे पहले मिलाप होता है इस फाइटर जेट से, पीछे देख सकते हैं ये फाइटर जेट है, ये है MiG-21 सुपरसोनिक इंटरसेप्टर एंड ग्राउंड अटैक फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं पीछे की तरफ में, ये है हमारे पीछे। और ये है यहां का मैप, यहां से आप जहां जहां भी जाना है वहां सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी फ़िलहाल कहां हैं, यहां पे, तो हम लोग अभी इधर जाएंगे ऐसे ऐसे होते हुए पूरा का पूरा घूम के, और वापस चले आएँगे। तो लेट्स गो। अब से एक भाई को सभी लोग ठेला बना के रख दिए हैं, देख रहे हो इस तरफ भी टोपी है, और इस तरफ मेरा ट्राईपॉड और कैप, सभी लोग ऐसे घूम रहे हैं, मैं भी ऐसे घूम रहा हूँ। पार्क तो ऐसे काफ़ी बड़ा है, लेकिन अभी पता नहीं अब आगे चल के अच्छा लगेगा कि नहीं, यहाँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सही बताऊँ तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, और भीड़ भाड़ भी नहीं, यहाँ पर काफ़ी सन्नाटा है, तो आगे देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा, वरना फिर ख़त्म कर ला टाटा बाय बाय। तो हाँ मुझे अभी समझ में आया कि यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे मतलब जो मैं सोच रहा था वो नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल में कपल लोग हैं, जो कपल लोग आते हैं थोड़ा शांति वगैरह चाहते हैं ना, तो ये प्लेस वैसा है। तो यहाँ पे अभी मैंने कुछ देर पहले भी देखा और बहुत आगे भी देखा मैंने, तो यहाँ पे कुछ वैसे लोग आते हैं, तो कपल वगैरह आते हैं, और तो ऑलमोस्ट हम लोग
पार्क टहल लिए हैं, कुछ खास नहीं लगा मुझे, बस खाली बड़ा है, बड़ा तो है, साइज़ वाइज तो बड़ा है लेकिन मज़ा नहीं आया। और स्टेडियम वगैरह है इस साइड में, ये स्टेडियम है बास्केटबॉल है ये सबका, और एक्सरसाइज करने के लिए है कुछ चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये सब हमारे यूज़ की नहीं है, जो कि मतलब हम लोग को अच्छी लगे, हम लोग तो सिर्फ घूमने आए हैं। और ये है तो सूरज, यहाँ पे तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लग रहा? ये अच्छा नहीं लगा, यहाँ पे आना सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे छोरी लेगा तब अच्छा लगा। अच्छा, खाली छोरी पटाता है, छोरी खाली छोरी पटाने के लिए है। सही करो, एकदम एकदम राइट कह रहा है बंदा, तो सही बात है, वही सब है यार, यहाँ पे कुछ खास नहीं लगा मुझे। अभी मुझे लगा कि हाँ मेरे जीवन में ये पार्क वार्क मेरे लिए कुछ कुछ नहीं है यार, ये हरे भरे पेड़ पौधे देख के क्या करेंगे यार, मेरे लिए कुछ है ही नहीं भाई, ये खाली जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार अल्लाह काम है। तो मेरे लिए, मुझे लगता है कि मेरे लिए ये पार्क वगैरह नहीं ठीक है। तो हम लोग चलेंगे अभी संगम, संगम नदी, हाँ मतलब संगम, संगम में चलेंगे और वो सब देखेंगे। और यहाँ पे एक ब्रिज है वायर वाला, जैसे मुंबई में बांद्रा वाली सीलिंग होता है वैसे है, तो वहाँ पे जाएंगे और दो तीन जगह घूम के फिर हम लोग को भी शाम भी हो जाएगी, भी 11 12 बजे लगभग, तो ऐसे शाम भी हो जाएगी, फिर हम लोग शाम को निकल भी जाएंगे। ये देखो गाइस कितने क्यूट क्यूट से पपी हैं यहाँ पे, वो अंदर भूसा पड़ा है, वो शत्रु की मौसी को, ये यार देखो ये घोगिया, इसकी माँ इधर बैठी है इस साइड में, और एक वो बैठा हुआ है पीछे की तरफ, ये दो हैं, एक ये सो रहा है। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं नैनी ब्रिज के पास में, अभी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर थोड़ा सा दूर है, तो पैदल चल के जाएंगे, और कुछ दूर बैटरी रिक्शा करके आए हैं, तो वो लोग मतलब अंकल जी ने बोला कि वहां तक नहीं जा सकते, वहां का एक्स्ट्रा चार्ज है, जबकि 1.5 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि पैदल ही जाएंगे, तो पैदल ही जा रहे हैं अभी, चलते चलते अभी वहां जाएंगे और वहां पे थोड़ा घूमेंगे टहलेंगे, और आपको भी दिखाते हैं कुछ अच्छे तरीके से सिनेमैटिक व्यू में। फाइनली हम लोग आ चुके हैं ब्रिज पे, और ये ब्रिज का पीछे का आप व्यू देख सकते हैं, थोड़ा सा सीलिंग वाला फीलिंग आ रहा होगा आपको। खैर मैं मुंबई गया था लेकिन सीलिंग पे नहीं जा पाया था, मैं सीलिंग से थोड़ा दूर पे ही वीडियो बनाया था, और उसका फील मैं समझ लो यहाँ पे ले रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। और जो तभी मैं पार्क गया था, पार्क से तो काफ़ी अच्छा है और बहुत मज़ा आ रहा है, और हमारे साथ सभी लोग, अभी फोटोशूट भी हम लोग करेंगे, DSLR अपना लेके आया हुआ था मैं। देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिज, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये ब्रिज बना था सन 2004 में। अच्छा, और ये यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है, और 2004 में बना हुआ था, तो काफ़ी पुराना भी हो गया, लेकिन हाँ मैं तो पहली बार आया हूँ। खैर मैं आया था बचपन में, जब 5-6 महीने का था तभी आया था सर, मेरी मम्मी बता रही थी, तब से मैं आज आया हूँ, 21 साल का हो गया तब आया हूँ। और यहाँ के बाद में सीधा अभी हम लोग चलेंगे एक दो जगह पे, और अभी फिक्स नहीं है कहाँ जाने वाले हैं, अभी 12:30 बज रही है, तो वहाँ से निकलेंगे, तो चलिए चलते हैं पहले वहाँ पे। तो इसी के साथ हम लोग चल रहे हैं अभी संगम के तरफ में, और संगम जाना है तो हम लोग वहाँ जाएंगे, और यहाँ से अभी निकल रहे हैं फिलहाल। हाँ तो गाइस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसकी वजह से मुझे दूसरा पार्ट डालना पड़ेगा, तो आप भी दूसरा पार्ट जाके देखिएगा, वीडियो जो दूसरा पार्ट आएगा वो 2 दिन बाद आएगा, तो आप जाके देख सकते हैं, और पहला पार्ट कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना, दूसरे पार्ट के लिए रेडी रहिए।